हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग का A21S जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है फिलहाल। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको लक्कीज मोबाइल शॉप दिखा देता हूँ, तो चलो स्टार्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। ये है लक्कीज मोबाइल शॉप, जो लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको हर तरह के फ़ोन मिल जाएंगे। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग A21 की एस की, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है निशांक भैया। तो ये आप शॉप देख सकते हो, ये एप्पल ऑथराइज है, आपको यहाँ पे एप्पल के फ़ोन मिल जाएंगे। ये लक्की भैया, वो लक्खा जी बैठे हुए हैं, अमित, प्रदीप, और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉक्स कंटेंट आप देख सकते हो, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो फिलहाल हमें टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका मैं स्टार्ट करते करते आपको प्राइस भी बता देता हूँ। ये प्राइस आपको मिलने वाला है 16,500 रुपये का, 16,499। तो फ्रेंड्स, बॉक्स कंटेंट करते हैं और साथ में बड़ा हल्का सा म्यूजिक भी आ रहा है, जिसके कारण आपको वीडियो लंबी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, बॉक्स कंटेंट आपने सारा देख लिया है। सबसे पहले लुक वाइज आप जिस चेक कर सकते हो कितना ऑसम लग रहा है, बाकी इसका क्या ओपिनियन है मुझे आप जरूर बताना। चलो इसकी सारी डिटेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके प्राइस की, ये 16,499 रुपये का मिलने वाला है, बल्कि 16,500 रुपये का मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले आपको इसकी देखने को मिली है 6.5 इंच, जो कि HD प्लस है LCD, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर बात करते हैं कैमरे की, फ्रंट कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। अगर राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में आपको वॉल्यूम की रोकर का बटन मिलेगा, अप एंड डाउन का, साथ में पावर लॉक बटन मिलेगा। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, जिसमें 2 नैनो सिम डाल सकते हो, साथ के साथ एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। अगर अप की बात करते हैं तो अप में आपको देखने को मिल जाएगा नॉइस कैंसिलिंग के लिए माइक। अगर डाउन की बात करते हो, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी, मेन माइक देखने को मिल जाएगा, और टाइप सी आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा। 3.5 mm का आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। अगर बैक की बात करते हैं तो बैक में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको वर्क करने वाले 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, साथ में आपको फिंगरप्रिंट काम करने को देखने को मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये ब्लैक लुक में है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके कुछ डिटेल के बारे में, तो ये आपको वेरियंट जो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है 4 GB RAM, 64 GB इंटरनल मेमोरी, जिसका प्राइस 16,500 रुपये है। अगर आप इसकी 6 GB RAM और 64 GB इंटरनल मेमोरी लेना चाहते हो, वो आपको मिलेगा 18,500 रुपये का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल अगर बात की जाए इसके प्रोसेसर के बारे में, प्रोसेसर आपको मिलने वाला है एक्जिनोस का 850, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ओवरऑल अपना देखा जाए तो इसमें लुक वाइज मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। डिस्प्ले इसकी आई थिंक सुपर एमोलेड होनी चाहिए थी, जो मुझे लगता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना। और प्रोसेसर की बात करते हैं तो एक्जिनोस का एटलीस्ट 9611 ही दे देते हैं इसमें, तो क्या कर सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना, लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कैमरे के मामले में, कैमरे की इसकी डिटेल कैसी है वो हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रंट कैमरा देख सकते हो कि अभी काफ़ी वर्क कर रहा है, ये सही लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और बैक कैमरे की बात करते हैं, बैक कैमरा भी इसका काफ़ी सही लग रहा है, देख सकते हो कि अभी कलर रेशो काफ़ी आता है। कैमरों के मामले में तो खैर ठीक रहता है, पर अगर देखा जाए ओवरऑल देखा जाए तो आपको कैमरे में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वो देख लेते हैं। ज़्यादा फीचर्स आपको कैमरे में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो उन्होंने हाईलाइट किया वो सामने किया है। उसके बाद क्योंकि आई थिंक मुझे लगता नहीं कि जो कैमरा फीचर्स है वो सारे आप यूज़ भी करते होंगे,
इसमें आपको स्लो मोशन नहीं देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट शॉट आपको देखने को मिल जाएगी, अलाउ कर देते हैं, अलाउ करने की जरूरत नहीं है, वैसे फिर भी मैं अलाउ करके आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट शॉट दे रखा है जो कि काफ़ी बढ़िया है, अगर हम डॉक्यूमेंट का खींचते हो AR स्टिकर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको इसमें कुछ फीचर्स दे रखे हैं इन्होंने, जैसे कि स्टिकर मैप लगाना हो, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए जैसे पॉपकॉर्न खाते हो, मूवी सीन बनाना हो, या फिर आपने कहीं बीच बूच पे जाना, राजस्थान जाना हो, तो आप इजीली फ़ोटो खींच सकते हो, ये देख सकते हो इजीली। ये आपको मोर सेटिंग में जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ऐसे बढ़िया लग रहा है ना। तो चलो फ्रेंड्स, फिलहाल ये तो क्या देखना, कैमरे के सिंपली फीचर्स आपको पता हो गए। तो चलो ओवरऑल मैं आपको फीचर बता देता हूँ कि अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो आपको क्या क्या शॉर्ट की में देखने को मिल जाएगा। स्मार्ट व्यू देखने को मिल जाएगा, सैमसंग ने नया फीचर डाल दिया क्विक शेयर, जो कि सैमसंग टू सैमसंग होगा। उसके बाद म्यूजिक शेयर आ गया है, आप किसी के साथ म्यूजिक शेयर करना चाहिए, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको डॉल्बी का साउंड देखने को मिलेगा, डार्क नाइट मोड देखने को मिलेगा, जिसमें जिसके कारण आपकी बैटरी काफ़ी सेफ होती है, क्योंकि देख सकते हो कि अभी ये वर्क करने में काफ़ी टाइम लगा रहा है, जैसे टच करते हैं तो टाइम लेट वर्क कर रहे हैं ना। तो उसके बाद आपको फन टच मोड मिल जाता है, जिसमें आपको बॉल पॉप अप हो जाता है इजीली, आप जब कोई काम करते हो तो उसमें क्या होगा कि इसमें मैं वैसे बता देता हूँ कि चार एप्लीकेशन हाइडलाइट हो जाएगी, बाकी सारी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, जो कि वर्क नहीं करेगी, ठीक है। बस उसके बाद आ जाते हैं स्क्रीनशॉट्स कैसे लेनी है, नॉर्मली रहती है वॉल्यूम की रोकर डाउन के साथ ही, इसके साथ आपको स्क्रीनशॉट मिल जाती है, पर देखा जाए तो इसमें आपको स्लो मोशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग, वो चेक कर लेते हैं आपको मिलती है या नहीं मिलती। सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की नहीं ज़रूरत है। उसके बाद अगर देखा जाए स्क्रीन रिकॉर्ड का इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा है, केवल आ भी जाता है ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस इन्होंने जो नीचे दे रखे हैं शॉर्ट स्क्रीन में, बस इन्होंने ओवरऑल सारे हाईलाइट किए हुए हैं। स्मार्ट व्यू इजीली आप स्मार्ट के साथ टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो डिस्प्ले इसकी काफ़ी बढ़िया लग रही है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर फीचर्स की बात करते हैं, ओवरऑल फीचर्स की बात करते हैं, तो ये आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा, कुछ एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, गेमिंग मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखा जाए तो मैंने इसकी सारी डिटेल बता दी है, तो खास फीचर्स इसमें कुछ इतना मुझे लगे नहीं है, बाकी आपका क्या ओपिनियन मुझे ज़रूर बताना। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं फ्रेंड्स। ओवरऑल मैंने इसकी सारी डिटेल दे दी है, जाते जाते एक बार फिर से जल्दी जल्दी बता देता हूँ। डिस्प्ले इसकी आपको 6.5 देखने को मिलेगी, 5 इंच देखने को मिलेगी, जो कि HD प्लस है, LCD मिलेगी, सुपर एमोलेड नहीं है, IPS नहीं है। उसका पंच होल कैमरे की बात करते हैं, आपको पंच होल कैमरा लुक वाइज काफ़ी बढ़िया लगता है, फ़ोन काफ़ी बड़ा है। और अगर पंच होल कैमरे की बात करते हो तो ये आपको 13 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा, बैक में आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाएंगे, जो कि 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और आपको देखने को मिलेगा 2-2 मेगापिक्सल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके लुक के वाइज में, लुक में ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर प्राइस की बात की जाए तो 16,500 रुपये में ये आपको देखने को मिलेगा, 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी। अगर बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी आपको 5000mAh देखने को मिल जाएगी, सॉरी मैं वीडियो में बता नहीं पाया, बैटरी 5000mAh है। तो उसके बाद अगर चार्जर की बात करते हैं, 15W का आपको चार्जर भी देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जर टाइप सी आपको चार्जर देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाएगी बैक में। और एक चीज़ और बताऊँ, जो डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट होती है उससे ज़्यादा फास्ट बैक में होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके ओवरऑल की व्यू के बारे में, या मुझे ओवरऑल इसमें क्या क्या लगा, मुझे लगा कि इसकी डिस्प्ले थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए थी, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए थी। उसके बाद जो इसका प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन एग्जिनोस का 850 है, तो आई थिंक कुछ नहीं तो 9611 ही हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, 16,500 की रेंज में। बाकी आपका क्या ओपिनियन मुझे ज़रूर बताना। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कुछ खास फीचर इसमें थे नहीं तो इसलिए कुछ था नहीं मेरे पास, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये फ़ोन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, और हाँ रेटिंग देने मत भूलना कि ये आपको क्या रेटिंग में आपको लगता है कि हाँ भी कुछ सही है या कैसा है। मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आपने फ़ोन परचेज़ करना है तो अच्छे से चेक करके देखना। मुझे इसमें लगा कि प्रोसेसर थोड़ा बढ़िया होना चाहिए था, बैटरी एकदम ओके दिया, डिस्प्ले एकदम बल्कि बढ़िया दिया, बड़ी जो दिया बढ़िया है, पर क्वालिटी मामले में थोड़ा और बेटर हो सकता था। फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल है, मिनिमम 20 मेगापिक्सल हो सकता था। पर एक चीज़ और बता दूँ कि अगर अदरवाइज़ अगर कंपेरिजन करें तो किसके साथ करें कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, आपका अगर कमेंट Y50 है तो उसके साथ भी हम इसका कर देंगे, वीवो का Y50। फ्रेंड्स बात की जाए तो इसमें आपको हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलेगा, मतलब हेडफोन नहीं देखने को मिलेंगे, कवर भी नहीं देखने को मिलेगा 16,500 की रेंज में, और
वैसे 16,000 की रेंज में कवर आ जाता है, पर इसमें हेडफोन और कवर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि गलत बात है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है सर के रिगार्डिंग मुझे ज़रूर बताना, और मुझे इसमें लगा कुछ ठीक है, बाकी जो भी है आपका ओपिनियन है। पर मुझे ये मतलब कि अगर रेटिंग देने जाए 10 में से, आप मुझे ज़रूर बताना कि आप इसको कितने देंगे। मैं इसको रेटिंग दूंगा आई थिंक 5। आपका ओपिनियन क्या है मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर स्विमिंग से रिलेटेड वीडियो देते हैं, टेक्निकल लवली मनी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, टैक्स रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वॉच द वीडियो।